भाई मैं ओला से पहचानता हूँ तुझे। अच्छा हाँ, ये वो गोला पोला मत लेके आया करो सिर्फ उसको आईडी को निकाल कर। हाँ, और बेल घंटी बजाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? सभी का स्वागत है फिर से एक और ब्लॉग में और सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। तो उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज है संडे, टाइम हो रहा है 3:45, पूरा दिन जा चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर पिलखुआ, क्योंकि मुझे सबसे पहला काम करना है अपनी बाइक पर चैनल नेम लिखवाना है, उसके बाद एक फ्रेंड आ रहा है उससे भी मिलना है। और वीडियो देखते रहो, और हमारा शक्तिमान भी हमारे पास आ चुका है, तो ये है हमारा शक्तिमान। टाइम हो गया है 3:55 और मौसम है तगड़ा वाला। ओए शक्तिमान, ले ये क्या गिर गया सर पे? ये सर पे क्या गिर रहा है इसके? चाय की पत्ती से लग रही है। चलो भाई हट नीचे से, अब जान थोड़ी देगा, यहीं तो जा रहा हूँ, बारिश पड़ेगी रुक जाऊँ कहीं साइड में। हटिए, ओए देखियो, ना जान देने का। हाँ 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 हाँ, तू चल तू। तो मौसम बहुत ज्यादा बारिश का एकदम, तो अभी निकल रहे हैं बस हम सीधे, तो बस मैं निकल रहा हूँ, बारिश वारिश आएगी तो देखा जाएगा जैसे भी होगा रास्ते में। चलो और मेरे साथ अभी फिर से एक सीन हो गया है, जय श्री कृष्णा। मेरे साथ फिर से एक सीन हो गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, मैंने फ्रंट स्क्रीन ओपन छोड़ दिया कैमरे की। अभी पहले एक साइड हो जाऊँ, उसके बाद रुक के देखनी पड़ेगी। वही हुआ, हमें से कई बार हो जाता है मेरे साथ ऐसा कि मैं फ्रंट स्क्रीन ओपन छोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये तो एक तो GoPro बैटरी बैकअप देता ही बहुत कम है, ऊपर से मैं इसकी बैटरी ऐसे वेस्ट कर देता हूँ। तो हमेशा मैं इस साइड जाता हूँ, लेफ्ट साइड, इस साइड जाता हूँ, आज मैं जाऊँगा इस साइड, राइट साइड। हवा तो बहुत तगड़ी चल रही है, बस बारिश नहीं पड़नी चाहिए अभी थोड़ी देर, तो माहौल थोड़ा ख़राब हो जाएगा। मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है वैसे, मज़ेदार एकदम, जैसे 4 बज रहे हैं ना, धूप होनी चाहिए थी तगड़ी वाली। और मैं काफ़ी टाइम से इसी का वेट कर रहा था कि धूप कम हो जाए, मैं कम से कम 5 या 6 बजे निकलता घर से धूप कम होने के बाद, पर मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया है ना, तो मैं अभी 4 बजे निकल गया हूँ। फ्रेंड है मेरा, वो आ जाएगा, उसको कॉल करना पड़ेगा बस एक बार बताने के लिए कि मैं पहुंच गया हूँ पिलखुआ। बाकी देखते हैं, यूट्यूब पे एक तो अपना नाम चैनल नेम लिखवाना है, उसके बाद अगर बाइक पे कुछ और काम करवाना पड़ा तो वो करवा लूँगा। वैसे रियर लाइट जो है उसमें मुझे फ्लेम लगवानी थी, 0 नंबर या 1 नंबर अगर मिलती है तो लगवा लूँगा, क्योंकि पहले लगी हुई थी वो ख़राब कर दी बच्चों ने, छुटा देते हैं कहीं पर, खड़ी कर देते हैं ना। ओ भाई साहब, मिट्टी उड़ रही है, यहाँ तो निकलना पड़ेगा। तो ये आ जाता है लाखन गांव का रास्ता, जो हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी गांव। पेट्रोल तो है बाइक में, पेट्रोल डलाने की ज़रूरत है नहीं,
पर इस ट्रक से आगे जरूर निकलना पड़ेगा। ये जब से आगे आगे जा रहा है ना, तब से देख रहे हो मिट्टी कितनी उड़ा रहा है। हेलमेट के अंदर भी जाना चालू हो गई है, इतनी मिट्टी उड़ रही है सामने। अरे हाय भाई, आगे भी है एक और ऐसे ही, तो उससे पहले निकल जाऊंगा मैं। ये समझ नहीं आता क्या सीन है, ये काम होके इसको ठीक करना भूल जाते हैं या इनका काम ही पेंडिंग में पड़ा रहता है, क्योंकि इसकी वजह से ना कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी जिंदल पे ना स्टैंड पे, उससे पहले भी एक ऐसे ही पड़ता है, जैसे ये बीच बीच में रोड ख़राब हो रखा है ना, ऐसे ही पड़ता है, उस पर भी इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरे सामने की बात है, इसी की वजह से सिर्फ। तो हम पहुंच गए हैं टोल टैक्स, और मैं यहीं पर एक बार रोक के उसको कॉल करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि जितने मैं पहुंचूंगा प्लखुए तक इतने वो आ जाएगा। संडे के दिन ना यहाँ भी बाइकर्स मिल जाएंगे कुछ, जो इस रोड को कवर करते हैं ना, ज़्यादातर मैंने उस वाले रोड पे खड़े देखे हैं वहाँ पर। तो यहाँ 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी। हेलो, नहारा है क्या? नहीं नहीं, निकल गया घर से बाहर। घर से बाहर हूँ, फोन नहीं उठा रहा। पहुँच गया मैं, टोल टैक्स क्रॉस कर दिया मैंने। ठीक है, कितनी देर में? ठीक है, आ जाओ। तो ये भी आने वाला है, 2 मिनट ही मुझे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। तो अगर हापुड़ जाने तो सीधे निकल जाओ, ये जाता है हापुड़ अमरोहा काशीपुर लखनऊ। लखनऊ है यहाँ से 468 किलोमीटर। बारिश आ रही है शायद, क्योंकि कोई कोई बूंद आने लगी है, पानी बरसने लगा है। यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे बारिश भी आ गई ना, फ्लाईओवर ही ऐसा है ना, कई किलोमीटर का फ्लाईओवर है, अगर बारिश तेज आई ना तो इसके नीचे ही रुक जाऊंगा। वो तो सही है, आज मैंने बाइक साफ कर रहा था, मतलब जहाँ ऑयल वगैरह लग रहा था ना वो निकाल रहा था डीजल से, तो मेरे को लग रहा था कि मैं आज ये ऑयल निकाल के जाने से पहले बाइक वॉश करवा लूँगा, और माइंड में उस टाइम भी था कि बारिश का भी पता नहीं है, जैसा सीज़न चल रहा है ना कि बारिश कभी भी पड़ सकती है, और जिस दिन बाइक या गाड़ी धुल जाए उस दिन ज़रूर बारिश पड़ती है। और ये इस्कॉन टेम्पल है, जय श्री कृष्णा। तो मैं पहुंच गया पिलखुआ, और बात हुई है हमारी यहीं पर राजपुताने स्कूल के सामने मिलने के लिए, आने वाला होगा। तो आ गया है, मुझे यहाँ से दिख गया, ढूंढ रहा है अभी भी। आगे गया ढूंढते हुए, कॉल कर रहा है मेरे को ही, कॉल कर रहा है। भाई मैं ओला से पहचानता हूँ तुझे। अच्छा। हाँ, ये वो गोला पोला मत लेके आया करो, सिर्फ ओला लेके आया करो। किधर चलना है? कहाँ चले? आगे ये चल। तो मूवी थिएटर है हमारे प्लखुआ में। ये कौन सा है? तेरी समझ में ना आ रही। और अम्मा ठीक हो? अम्मा ठीक है? और जिस दुकान पे लिखवाना था वो दुकान हो गई बंद, अभी दूसरी दुकान पे जा रहे हैं।
काम तो हो गया अपना, डिस्काउंट के साथ बता देना भाई। भैंस की आंख हाथ जल गया। मजा आ रहे हैं भाई, डिस्काउंट दे दिया भाई लड़के ने, बढ़िया भाई। चलाऊंगा स्कूटी, बाइक को लेके जा रहे हैं, क्या कह रहा है? स्कूटी का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। किधर से? रॉन्ग साइड। कहाँ से स्टार्ट होगी? पैर कहाँ उड़ रहा है मेरा? चल चल, तो गाइस काम तो हो गया बाइक का, जो जो करवाना था। बाकी यहाँ पे भी बहुत भीड़ है इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा काम करवाया नहीं है, जो जो होगा भी फुर्सत में बताएंगे। बस एक दो रील शूट करनी है थोड़ा आगे जाके। इसके शीशे कैसे कर रखे हैं, कहाँ हैं? आ जा। स्कूटी कभी मैं चलाता नहीं हूँ, ऐसे लॉन्ग राइड नहीं करता, तो ऐसे कम्फर्टेबल बैठ पाता नहीं है। और अपनी बाइक बड़ी सही लग रही है। इंडिकेटर क्यों देखे चल रहा है? अबे बंद कैसे होगी? इस लेट होती है बंद। बाइक का काम हो गया और कुछ रील्स बनाई है, और बाइक पे जो जो काम हुआ है अभी दिखा दूंगा। बट अभी यहाँ से बंटी देने वाले मुझे पार्टी, क्योंकि मैं पिलखवा आया हूँ ना। क्यों तू आएगा उधर? मैं समोसे खिलाऊंगा ना भाई, मेरे उधर के समोसे मिलते हैं। मैं भी समोसे खिला सकता हूँ, यहाँ पिज्जा मिलता है भाई। ये मटके का क्या करेंगे फिर? ये मटका पिज्जा खाने के लिए तो बना है। ठीक है, बता कहाँ चल रहे हैं? चले। तो ये तीन पीछे, मैं यहाँ पे रील्स बना रहा था, यहाँ पे दो तीन बच्चे आ रहे हैं पीछे, वो पूछ रहे थे आईडी बताना। आईडी ये लिखी हुई आईडी दीपक। हाँ, टीवी। क्या लिख रहा है? दीपक ब्लॉग टीवी। अब क्या करना है इसको? इसको आईडी को निकाल के, हाँ, और बेल घंटी बजाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, यहीं पर रहने वाले हो? हाँ, यहीं पे रहते हैं। स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हैं। मौज आती है पूरी स्कूल में? हाँ, पक्की वाली। ठीक है, अब हाई कर दो कैमरे में। कैमरा इधर है वैसे। ठीक है, सब्सक्राइब करना जाके आज से। चलो बाय। हाँ, हाथ मिलाओ जरूर। चाप खाएंगे या क्या खाएंगे अभी जाके पता चलेगा। वैसे डिसाइड तो मलाई चाप का हुआ है, बाकी देखते हैं सीन क्या बनेगा। तो हम आए हैं वीरजी चाप। यार देखने में तो अच्छा सा लग रहा है भाई, सही लग रहा है, मस्त। अभी कुछ खाने के लिए बैठे, बता रहे क्या खा रहे हम? हैं? देखो भैया सीधी सी बात है, जहाँ हम जाते हैं वो खिलाता है, ना कि जाने वाला खिलाता है। तू आएगा ना मेरे यहाँ तो मैं खिलाऊंगा। जब नानी के जाते थे, जब हम नानी के जाते थे, तो मामा खाने के लिए जाते थे ना, तो ना तो मैं नानी के से आया हूँ, ना मैं मामा हूँ। ना ना ना, तेल किलोमीटर बच जाएगा, निकल जाए इधर से, जाना है तो चल। तो चल चल भाई, घर जा रहे हैं सीधा। और वो डाल दियो, तो टाइम हो गया है 6:29। अब चलते हैं सीधा घर, बस रास्ते में रुक के एक बार क्या क्या काम कराया है वो दिखाना है।
और काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे बात करते करते, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिले हैं, रास्ते में मिलते रहते हैं हम। अभी वो लास्ट वीडियो देखी होगी ओला वर्सेस एनएस, तब मिले थे, और बीच बीच में हफ्ते में एक बार कम से कम मिल ही लेते हैं। बाकी अभी चलेंगे सीधा घर, यहाँ से पड़ता है हमारा घर 9 किलोमीटर, मतलब घर से पिलखुआ 9 किलोमीटर, और बड़ी मार्केट पिलखुआ में ही पड़ती है हमारी, जहाँ हमें आना पड़ता है। बाकी आज मज़ा आया, संडे में काफ़ी टाइम बाद ऐसे घूमने के लिए निकला गया। बाकी ऑफिस से आओ वीडियो बना लो, ऑफिस जाओ तो वीडियो बना लो, और काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो दिन में भी बनी है, वरना आधे से ज़्यादा वीडियो रात की ही बनती, क्योंकि फ्री तब होते हैं ऑफिस वगैरह से। तो मैं यहीं साइड में रोक लेता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहीं पर थोड़ा स्पेस है। टोल टैक्स मैंने अभी क्रॉस किया है। हाँ, तो बाइक में क्या क्या काम हुआ है, बाइक में काम हुआ है, एक तो ये फ्रंट वाली जो लाइट है ये स्मोक कराई है, और ये बैक रियर लाइट है ये स्मोक कराई है। बाकी इंडिकेटर पहले थे, पहले तो लाइट भी थी ये वाली, बट वो थोड़ी ना ख़राब हो गई थी स्क्रैच वगैरह पड़ के। ये इंडिकेटर है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो मैंने अपने चैनल का नाम लिखवाया, हमारे चैनल का, और इंस्टा आईडी भी सेम ही है। मैं इंस्टा आईडी भी चेंज करने वाला हूँ, दीपक व्लॉग टीवी ही रहेगा इंस्टा आईडी भी, इसीलिए मैंने सेम है, इस साइड भी है और इस साइड भी। ठीक है, तो चलते हैं। ये टोल टैक्स हमारे गाँव के पास में पड़ता है, हमारा टोल फ्री है, कई बार वीडियो में दिखाया भी है। बाइक का तो लगता नहीं है, मगर गाड़ी वाड़ी से आते हैं तो फ्री है। तो अब चलते हैं, फटाक से पहुंचते हैं घर, बिकॉज बहुत रात हो गई है, बहुत रात तो नहीं हुई है बाकी दिन के अकॉर्डिंग तो, और मौसम तो खतरनाक हो ही रहा है। बारिश होते होते रह गई है, जब मैं उस साइड से आया था ना घर से जब निकला था, तो बारिश का मौसम पूरा था, कोई कोई बूंद पड़ भी रही थी, पर अभी मौसम साफ है, बस वो दूर घना बादल दिख रहा है। अच्छा लगा देखो आज का संडे, घूम फिर के थोड़ा एंजॉय करके थोड़ा बढ़िया सा लगा। तो अगला और वीडियो देखते रहना, ब्लॉग पे बने रहना, क्योंकि अगला संडे भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, और ये मेरी बाइक से पहली ट्रिप होगी, अपनी बाइक से पहली ट्रिप होगी, अपनी बाइक से पहली ट्रिप होगी और मज़ेदार होगी। तो मैं पहुंच गया हूं जिंदल पे, और टाइम हो रहा है 6:40। इस टाइम बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे, क्योंकि संडे का टाइम है, और ये क्राउड हमें तभी देखने के लिए मिलता है जब हम जल्दी घर पर पहुँचते हैं या आते हैं। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी। जय ठाकुर जी की। क्या हुआ? दो बार छत पे चढ़ गए, पूरी ऊपर, पूरी ऊपर। कहाँ है? अब लाइन था करने हो बैठे। आइयो जी जरा बाहर को, बाहर को आना। ऐसा करें मैं ढूंढ लेंगे थोड़ी सी बात। कहाँ गए थे आज? कहाँ गए थे आज? ऊपर चढ़ गए? ऊपर चढ़ना सीख गए? ऊपर चढ़ना सीख गए? अभी खुराक मिलेगी तो, खुराक मिलेगी अब,
अब बताओ गाइस इसको, इसकी पिटाई होगी। छत पे गया था आज, हैं? छत पे गया था आज, तेरे चोट लग गई तो गिर गया, तो जब बंदर ले गया उठा के फिर क्या करेगा? कितनी बार चला गया? पूरी सीढ़ी चढ़ के? वाह जी वाह। पहुंच गया हूँ घर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।